नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत लोगों ने अरंडी और क्लस्टर का ऑयल तेल जिसके बारे में बहुत कुछ सुना होगा। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं आपको, इससे बहुत सारे लाभ होते हैं आपको। बताया जाता है कि इससे आपके बाल लंबे हो जाएंगे, आईब्रोज के ऊपर लगाओगे तो घने हो जाएंगे, आंखों में लगाओगे तो सूजन है सब ब्लैक डार्क स्पॉट्स वगैरह, घुटनों में लगाओगे तो आपके घुटनों में जो हड्डियाँ होती हैं उनमें दर्द कम हो जाएगा, मालिश करोगे तो मांसपेशियों में थोड़ी ताकत आ जाती है, आपका निखार बढ़ता है। ऐसे ऐसे बताया जाता है बहुत कुछ इसके बारे में, जो कि आप गूगल या यूट्यूब में सर्च मार के देख सकते हो कि क्या क्या इसके फायदे, बहुत ज़्यादा इसके फायदे बताए जाते हैं। इसको अगर जैसे कब्ज़ की प्रॉब्लम रहती है तो इसका ऑयल पी के किसी एक कुलजी होती है उसके साथ मिला के इसको पिया जाता है, तो उसके साथ बहुत सारे इसके बहुत ज़्यादा लाभ है। तो इसके बारे में आपको सुना ही होगा, तो मैं इसका पेड़ आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह का पेड़ होता है, किस तरह का पौधा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह का इसका पेड़ है। हालांकि पौधे में ऐसे ज़्यादा छोटा पौधा भी नहीं होता है, हालांकि बहुत अच्छा पौधा होता है, बड़ा सा पौधा होता है, लाइक किसी गार्डन में फ्लावर की तरह इसका पेड़ होता है, थोड़ा बड़ा होता है इसमें देखने में, जैसे एल ऐसे बीच में से ऐसे होता है इसमें, थोड़ा जैसे बीच का पोर्शन होता है, पानी सप्लाई होती है पौधे में, तो इस तरह से होती जाती है। और अगर बीच में से कट सेक्शन देखोगे तो बीच में से होल आपको दिखेगा, जिसमें इसमें खाना पानी जो भी होता है पेड़ को, वो पौधों को, पत्तियों को, जो भी जाता है जड़ों से, वो ऊपर जाता रहता है। तो पेड़ तो आपका देख लिया किस तरह से होता है, तो आप फ्रूट आगे देख लो कि किस तरह से इसका फ्रूट होता है। तो आगे पत्ती की, पहले फ्रूट से पहले पत्ती देख लेते हैं कि पत्ती में से 9 अलग जैसे डिफरेंट तरह के पत्ती में इसमें प्रोजेक्शंस होती हैं। और ये रहा आपका फ्रूट, जिसमें फ्रूट में आपको दिखेगा कि बाहर से बहुत ज़्यादा जैसे कांटों की तरह इसमें गोले गोले होते हैं, वैसे देखने में वैसे लगता है जैसे चुभेगा बहुत ज़्यादा, पर चुभता नहीं है, ना सख्त ना ज़्यादा पहना होता है, ना हार्ड होता है, सॉफ्ट जैसा होता है। अगर जब हरा होता है तो बहुत सॉफ्ट जैसा होता है, ऐसा लगता है जैसे चुभेगा आपको बहुत ज़्यादा, जैसे अगर लग जाए तो सुई की तरह आपको कहीं खुन्ना निकल जाए, पर ऐसा नहीं होता है, थोड़ा हार्ड जब सूख जाता है, जैसे जैसे पकना शुरू होता है तब हार्ड होना शुरू हो जाता है, थोड़ा हार्ड हो जाता है, आप पकड़ोगे तो उसमें हार्डनेस हो गया, अगर ज़्यादा चुभाओगे आपकी स्किन अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकता है खून भी लग जाए। तो इस तरह से इसका जो है फ्रूट होता है, धीरे धीरे पकना स्टार्ट हो जाता है। हालांकि ये अपने आप पैदा हो जाता है कहीं भी, ऐसे अगर पेड़ है तो उसमें खुद ब खुद बीज जमीन में गिरेगा और खुद खुद पेड़ जो है खुद खुद पैदा हो जाएगा, आगे को बढ़ते जाते हैं। तो इसका तेल जो है वो जैसे बीज बीच में से निकाला जाता है, बीज को आप इस तरह से जो उखाड़ोगे इसको बीच में से, जैसे देख लो आप दोस्तों कि थोड़ा सख्त है, जब ये थोड़ा जैसे हरा होता है तो इतना ज़्यादा सख्त नहीं होता, नरम होता है, सॉफ्ट सा होता है, जैसे जैसे पकता स्टार्ट हो जाता है तो जैसे सूखता है तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, इसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, इसके अंदर से बीज निकलेगा, जैसे कुछ देखने में बहुत अच्छा सा बीज लगता है इसका, जैसे आप बीज देख रहे हो, तो इसी के अंदर से बीज के अंदर से जो है इसको जब मसला जाता है या मिक्सी में जैसे आप कुछ करोगे, मिक्सिंग करोगे इसको या इसको किसी चीज़ से पीसोगे, तो इसके अंदर से एक ऑयल जैसा निकलता है। अगर आप ऐसे नीचे रखोगे और उसको ऊपर से जैसे मुक्का जैसे मारोगे तब ये टूट जाएगा, उसके अंदर से आप वाइट जैसा निकलता है जो इसके अंदर से, उसको आप जब ऐसे दो उंगलियों के बीच में भी रगड़ोगे जोर से मसलोगे तो उसके अंदर से जो है ऑयल निकलता है, वही इसका प्योर ऑयल होता है, जो कि जिससे कि तेल निकाला जाता है। और उसमें बहुत कुछ अलग भी मिलाया जाता है, जिससे कि अलग अलग चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है, जैसे जैसे आपके टांगों घुटनों के लिए, बालों के लिए, उसमें अलग अलग कुछ और भी चीज़ें मिलाई जाती है जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। तो दोस्तों ये तो रही बात अरंडी और क्लस्टर के ऑयल कहाँ से निकलता है और पौधे की। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और भी अधिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना मूल्य समय देने के लिए बहुत धन्यवाद।